और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आज तक पर जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोगों को क्या ज्यादा खटक गया, ये कि हिंसा के बीच इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार चले गए, टोपी पहन ली ये खटक गया, या फिर लाल किले के सामने बैठ गए ये खटक गया है? आप इसको तुष्टीकरण कहते हैं, वो कहते हैं हम सद्भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मन में राम बगल में छुरी ये कहावत है। कहते हैं मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। भाई, होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री का पद खाली लें, लेकिन जो बिहार के हालात थे, ये सासाराम में दंगे हो रहे हैं और नालंदा में, जो उनका गृह जिला है, दंगे में लोग जल रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है, और नीतीश कुमार फोटो खिंचवाने में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इफ्तार में मस्त है। मैं ये कह रहा हूं, किसी के घर में कोई गम्मी हो जाए और वो उत्सव मनाए, ये मैं विषय खड़ा कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा, कोई हमें उनके वो क्या, वो तो कार्यालय खोल लें जाकर के किसी मस्जिद में, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन दंगे में तो भी हो आते, दर्श एक बार घूम आते, ये नहीं करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, और आपके माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार, अन्य सरकार और मौलवी लोगों के नेता से, देश 75 साल हो गए, बंटवारा हुआ देश का हिंदू और मुसलमान के नाम पे, लेकिन 75 साल तक कभी हिंदुओं ने तजिया पर पत्थर नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाया, गोली नहीं चलाया। और हमसे पूछा जाता है आप उस गली होके कैसे गए, और नीतीश कुमार का जिला नालंदा में, और नालंदे में उनको मालूम था कि इस रास्ते से जाएगा, और पत्थलें ऊपर छत पे तैयार थी, ऐसी सूचना, तलवारें चल रहा है, ये कौन सा न्याय? हमने तो कभी नहीं आपके तजिया को, ये आप इसको क्या बना देना चाहते हैं? नीतीश कुमार इसे बंगाल बना देना चाहते हैं, पाकिस्तान हो जाए? आपने हनुमान जयंती पर रोक लगा दी है, क्यों रोक लगाई? आप में हिम्मत था कि रमजान पर रोक लगा दे? ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, हिंदुस्तान और बिहार शरीफ और बिहार के लोग और सासाराम के लोग, मैं ये कह रहा हूं, हम तो सौहार्द देते, कभी किसी पर पत्थर नहीं चलाया, हम तो सब दिन सम्मान किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम्। हाँ, हम तो हम और हमारे पिताजी तजिया में भी जाते थे, हमारे साथ ये क्यों? लेकिन आपने मस्जिद में ऑफिस बना ले, ये तंज तो कसा ना गिरिराज जी? पीएम बनने पर तो किसी के रोक है नहीं, हर कोई कोशिश कर सकता है पीएम बनने की, मस्जिद में वो ऑफिस खोल ले, इससे क्या मतलब है आपका? और ये भी बताइए कि वो तो नहीं गए हैं, नीतीश कुमार तो नहीं गए हैं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे वहां? पहला, मैं जिस दिन दंगा हुआ उसी दिन जाने के लिए वहां रोक लगी थी, और अगर चले गए होते तो शायद ये आरोप गिरिराज पर ही लगता। दूसरा प्रश्न, जो आप कह रही हैं कि पीएम वो बनना चाहते हैं, आप तंज कर रहे हैं, इसमें कोई रो हमें कोई दिक्कत, तो इनकी दुर्दशा होगी ना, वो हमारे बिहार में एक कहावत है, रम खुदैया, नाले को पार करने के लिए मुसलमान अल्लाह एक ही नहीं के तरह था, जो कहा कि अल्लाह के मटक गया। ये बिहार में और बहुसंख्यक हिंदुओं के आस्था, ये कितने दिनों तक चलेगा, ये कह के कि फलाना करा रहा है, मैं पहचान रहा हूं नालंदा में, अब सद्भावना जुलूस निकाल रहे हैं और हनुमान जयंती पर रोक लगा रहे हैं, ये देश को, बिहार को बर्दाश्त नहीं।
ये नीतीश कुमार के राज्य में दुर्गा पूजा निकले तो ये रूट से नहीं जाओ वो रूट से जाओ, सरस्वती पूजा निकले ये रूट से नहीं वो रूट से ले जाओ विसर्जन के लिए, आखिर क्या हो गया है? हम पाकिस्तान में हैं जो हमारी बेटी मंडप शादी के मंडप से उठ जाए, हम पूजा नहीं कर सकते बांग्लादेश की तरह? ये क्या बनाना चाहते हैं वोट के खातिर? ये इसको कौन सा इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? गिरिराज जी, रोक लगाना चाहते हैं हनुमान जयंती पर? इसका बदला 24 और 25 में यहाँ के लोग हैं। गिरिराज जी, लेकिन आरोप लग रहा है और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सद्भाव बिगाड़ने की ये संघी साजिश है, उधर ममता बनर्जी कह रही है कि जो शख्स हावड़ा में पकड़ा गया है कट्टा लिए हुए, उसको अब मुंगेर से हिरासत में लिया गया है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता, ऐसा आरोप वो लगा रही है। दोनों ही मुख्यमंत्री सीधा इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों ने हिंसा भड़काई है। देखिए, बंगाल में ममता जी भाषण दें कि रमजान है यानी रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकलेगा, रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट हो, ये कह दें, हनुमान जयंती पर कह दें कि हिंदुओं को समझ से काम लेनी चाहिए, यानी बंगाल में और बिहार में हिंदुओं के आस्था के रूप में चाहे रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो, इसकी इजाजत अब कोर्ट से मिलेगी। और आप मुझे कहते हैं कि आप भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, कौन सा भाईचारा? अगर कोई हिंदू बिगाड़ता तो तजिया में जुलूस पर पत्थर लाठी तलवार चलाता ना, कि अपने ही आस्था के शोभा यात्रा पर, यानी आप अपने ही धर्म पर आप पत्थर मार रहे हैं, यही कह रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये जो PFI का यहाँ नेटवर्क बन रहा था वो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, वो भी बीजेपी बना रहा था, और रामनवमी में भी बीजेपी पत्थर फेंक रहा है अपने शोभा यात्रा पर। अगर हम हिंदुओं को बिगना ही होता तो उनके जुलूस पर न बिकता, किसको बुड़बक बना रहे हैं? और कौन सा भाईचारा? ऐसा भाईचारा मुझे नहीं चाहिए जो हम भारत में और बिहार में, हमें अपने आस्था के शोभा यात्रा को भी निकालने के लिए गलियों को निश्चित किया जाए, चिन्हित किया जाए और दोष भी दिया जाए, चोरी और सीना जोरी, ये अब बर्दाश्त। सवाल राज जी, सवाल सीधा शासन का है। ओवैसी साहब ने कुछ देर पहले PC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि नीतीश को पहले से पता था, आपको भी ऐसा लग रहा है? ये बोर्ड के सौदागरों का, वो नीतीश कुमार को कैसे नहीं पता होगी? उनको मालूम है कि प्रति साल निकलता है वहां कुछ ना कुछ, इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं लोगों के संरक्षण के कारण मुसलमान आक्रमक हुए। अगर गांव की कहावत है मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, उनको मालूम है कि सरकार है तुष्टिकरण की सरकार, हमें कोई नहीं बोलेगा केवल एक टोपी पहन लो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी टोपी पहन करके रमखुदैया बन रहे हैं। इसलिए ये सरकार प्रायोजित ये घटना है, मैं तो ये कहूंगा, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो। अच्छा, ये बंगाल बनाना चाहते बिहार को, ममता बनर्जी इसे पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना चाहती। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे, पाकिस्तान बांग्लादेश कौन बनाना चाह रहा है, नहीं बनाना चाह रहा है, मामला शासन से जुड़ा रहता है हमेशा, और यह आरोप लगता है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लेकिन सख्त कानून व्यवस्था के बहुत लोग पसंद करते हैं, और उसी में से कुछ लोगों से हमारे सहयोगियों ने बात की है, वो लोग योगी मॉडल को यहां बिहार में याद कर रहे हैं। गृहमंत्री साहब भी गए थे, उन्होंने कहा था कि उल्टा लटका देंगे, इंसाफ ले आएंगे, योगी मॉडल को पुश करेंगे क्या 24 के लिए बिहार में? आखिरी सवाल, देखिए दो चीज देखिए, योगी ने कोई ऐसा नहीं किया कि हिंदू के तरफ से अगर लाउड स्पीकर का ऊपर से हटा तो मंदिरों पर से भी हटा, लाउड स्पीकर मस्जिदों से भी के ऊपर उठा, तो ये उनको बुलडोजर बाबा कहें या जो कहें, आज उसके कारण योगी मॉडल तो अब हर जगह खोज रहा है, ये वोट मॉडल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को लगता है
कि तुष्टिकरण के कारण ही मैं प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो पाऊंगा, इसीलिए ये तुष्टिकरण करते, इसीलिए ये टोपी पहनते, इसीलिए ये ऐसी व्यवस्था करते कि बिहार शरीफ और ससराम में ऐसे दंगे होते और कर क्या रहे हैं, जिनके घर लूटे गए, दुकान लूटे गए, उन्हीं को अपराधी बना रहे हैं, उन्हीं का नाम दे रहे हैं। ये भी नहीं होनी चाहिए, बेकसूरों को फंसाना नहीं चाहिए। और देखेंगे हिंदुओं को ज्यादा अपराध केस में नाम देकर के उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे वर्ग के मुसलमानों को की संख्या का अनुपात देखें। ये खास जाहिर है कि अब लीपा पोती करके सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, इधर हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस को रोक लगा रहे हैं। ये साफ है, ये इनके चेहरे और इनके अंदर दोनों में अलग अलग है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोप आपके सियासी हैं, कितना सच है, कितना लोग भरोसा करते हैं, ये वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।